एवरीवन वेलकम बैक। क्या आप दिन भर लेजी फील करते हैं, डिमोटिवेटेड रहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम खुद को हमेशा चार्ज कैसे रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप दूसरों की बुराई करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप नफरत फैलाने के लिए पैदा हुए हैं? या आप दूसरों के हेल्प के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं? सबसे पहले आपको समझना होगा कि जिंदगी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। अगर आप अपनी लाइफ को नहीं जानते, मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे तब तक आप लाइफ में लो फील करेंगे। इसलिए आपको अपने लाइफ का मीनिंग खुद ढूंढना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ को चार्ज रखना है तो आपको तीन चीजों पर ध्यान देना होगा, मीनिंग, इंटरेक्शंस एंड एनर्जी। नंबर वन, मीनिंग। मीनिंग ढूंढने के लिए आपको अपनी कमियों और खूबियों की लिस्ट बनानी होगी। इसके बाद एक एक करके अपनी कमियों पर काम करना होगा। जैसे अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो इसको आपको बंद करना होगा। ये सोचिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद उसकी बुराई को उसकी अच्छाई से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एक पॉजिटिव साइड जरूर होता है। दूसरों को सही काम करने के लिए इंस्पायर कीजिए। इसे बिना बुराई किए दूसरा इंसान आपका काम खुशी से कर देगा। नंबर टू, इंटरेक्शन। लाइफ में हमेशा चार्ज देने के लिए अच्छे रिलेशंस बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए। अगर आपके अच्छी जगह पे अच्छे दोस्त होंगे तो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। इसके लिए आपको अपनी इंटरेक्शंस को बदलना होगा। लोगों से अच्छे से मिलिए, अच्छे से ग्रेट करिए, उनके साथ एम्पैथी से बात करिए, बुरे वक्त में उनका साथ भी दीजिए। जिस आदमी का कोई साथ ना दे उसका भी साथ दीजिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से आपकी इंटरेक्शन, मतलब लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे आपके दोस्तों के साथ रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और बुरा वक्त आने पर लोग आपकी भी हेल्प करेंगे और आप जल्दी ही बाउंस बैक भी कर पाएंगे। नंबर थ्री, एनर्जी। आपको अपने अंदर फिजिकल और इमोशनल एनर्जी को बनाए रखना होगा, तभी आप लाइफ में स्ट्रगल कर पाएंगे, नहीं तो थक जाएंगे और कोशिश करना बंद कर देंगे। एनर्जी बढ़ाने के लिए नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि सभी धोखेबाज होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक गलत स्टेटमेंट है। आप बुरे दोस्त बनाते हैं, आप इस मैक्यू के साथ रहते हैं, तो ये आपकी गलती है। हो सकता है आपको कुछ धोखे मिले हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरी दुनिया के लोगों का सर्वे कर लिया है। बहुत से अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। नेगेटिव माइंडसेट रखने से आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट के इमोशन भर जाते हैं और आपकी इमोशनल एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए कभी भी भूल कर नेगेटिव माइंडसेट ना बनाए, हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढे। इससे आपकी इमोशनल एनर्जी बरकरार रहेगी। नंबर फोर, टिप्स टू एनर्जेटिक। फिजिकल एनर्जी बढ़ाने के लिए डेली एक्सरसाइज कीजिए। पुशअप, जॉगिंग, रनिंग से आपकी बॉडी फुर्तीली रहती है। इसके अलावा गंदी आदतों को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी और एक दिन बीमारियों से घिर जाएगी। अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखिए, टाइम पर खाना खाइए, जंक फूड को अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, इससे आप हेल्दी और फिट रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ब्रेन रूल्स को समझना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।